और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं आज अपने चैनल पर आया हूं। और इसके कुछ कारण थे, अत्यंत व्यस्तता थी, बहुत परेशानी थी। और आप लोग सोचेंगे कि भोजपुरिया चैनल पर आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा कि किस तरह से हम मैक्सिमम लोगों को के पास तक पहुँच सकते हैं। इस कारण से मैंने सोचा कि जो भोजपुरी भाषी लोग हैं वो भी जो है कि इसको समझ सकते हैं और हिंदी वाले मैक्सिमम लोग इसको समझेंगे। और चूंकि मैंने फील किया कि मैंने हंसी और कविताओं से परे भी कुछ जीवन होता है, और इस कोरोना काल के समय ने मुझे बहुत कुछ चीज़ों को समझाया सिखाया, जो मैं अंदर से ही फील किया, उसी चीज़ को मैं ले करके आप लोगों के सामने जो है कि फिर जो है कि आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ से गाँव में कई सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं और लोग जो है कि उसके कारण से जो है कि पलायन भी करते हैं, परेशानी में भी रहते हैं। अगर वो इन बातों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, या यदि आप कहीं बाहर हों तो आप भी उस चीज़ को देखेंगे अगर वीडियोस, तो शायद आपको ज्ञान होगा कि मैं ऐसा कम से कम न करूँ जिससे कि आपस में किसी प्रकार की चीज़ें या कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ से सारी चीज़ें जो है कि सामने आती हैं और लोग किस तरह से जो है कि सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उसका परिणाम कितना गलत होता है। चलिए आप देखते हैं हम इसको। देखिए, ये है आपके सामने एक खेत है, जिस खेत की कहानी क्या बयां कर रही है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब दो किसान के आपस में जब खेत होते हैं पास में, तो किसान क्या करते हैं, अब देखिए, ये जो है कि अपने मेड़ की छंटाई कर रहे हैं। कहने के लिए वो कहते हैं कि अपनी मेड़ की मैं छंटाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उसका परिणाम ये होता है उस मेड़ की छंटाई के साथ साथ कि जब इधर का किसान इसको छांटता है, फिर उधर वाला उसको छांटता है, परिणाम ये होता है, आप देख सकते हैं किनारे किनारे, कि इसका ये रीज़न होता है कि उसी कारण से उन लोगों के अंदर विवाद हो जाता है। लेकिन किसी के मन में ये नहीं शामिल होता है कि अगर हम अंदर की मिट्टी को उठा करके, कोई मिट्टी अगर उस मिट्टी को उठा करके उस मेड़ के ऊपर क्या करें, हम जो है कि रख दें, जिससे जो है कि वो मेड़ मजबूत हो जाए और उसका जो है कि लाभ दोनों को मिल सके। ये देख सकते हैं आप, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। अब देखिए, ये जो है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो है, अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, और मैं अभी इधर से, अभी ये सड़क है, मैं इस सड़क के बारे में दिखा रहा हूँ आपको जो है कि देखिए ये सड़क है, जिस सड़क पर लोग चलते हैं। लेकिन लोगों का जो है कि ये फील होता है कि हम जो है कि केवल क्या करेंगे, हम केवल जो है कि इसको काटते रहेंगे तो जो है कि इसी में इनका जो है कि पूरा का पूरा जो है कि सारा खेत बारिश सब जो है कि समझ में आता है कि इसी में आ गया है। तो हम सभी को इस चीज़ का क्या करना है, बहुत ही ध्यान रखना है। और अगर हर किसान इस चीज़ का ध्यान रखे तो कई सारी चीज़ों को समझ सकता है। तो देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये सामने जो देख रहे हैं आप लोग, एक ये यहाँ से आगे तक ये एक मेड़ है, यहाँ से आगे तक क्या है, एक मेड़ है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये सब मेड़ है। लेकिन यहाँ से ये मेड़ गायब हो गया। ये मेड़ गायब हो जाने के बाद एक दिन दोनों, ये दोनों अलग अलग किसानों का है और इसके लिए लोग आपस में इतना विवाद किए थे, क्या बताया जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इतना सारा विवाद क्यों है, हम क्यों ऐसे काम करें अपने लिए ज़िंदगी में कि हमें इस प्रकार के जो है कि विवाद का सामना करना पड़े, जो है कि हम क्यों नहीं उसको एक ऐसे सिस्टम में रखें जहां पर जो है कि इस सब चीज़ों की बात ही ना आए, और दोनों अगल बगल पास के रहने वाले लोग केवल इस मेड़ को लेकर के विवाद कर लिए और उनके बीच में आज माने जो कहते हैं ना कि बोलचाल ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी समझ की बात है, इस मेड़ से हम कितना कर लेंगे। अगर ये लोग, दोनों लोग ये मिल जाते और दोनों लोग ये कहते कि अगर हम एक हाथ अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ, एक हाथ आप दे दो, और दोनों मिल करके कोई ऐसी फसल उस मेड़ के ऊपर, कोई ऐसा प्लांटेशन ही कर देते, जैसे यहाँ से वहाँ तक गिन लेते कि कितने प्लांट लग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर वो 100 प्लांट लगा लेते, 100 प्लांट में से 50-50 की 50 आप ले लेना, 50 मैं ले लूँगा, आगे आने वाली पीढ़ी उस 50 का उपयोग करेगी, आगे आने वाली पीढ़ी उस 50 का उपयोग करेगी। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो 4 या 5 साल में ही जो है कि अपना जो है कि वो पेड़ के माध्यम से कुछ देना शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारे आसपास के गांव के किसानों को ये बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है और परिणाम होता है कि वो कहते हैं कि हम गरीब हैं। मैं इस मैसेज के साथ ढेर सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के सामने आने वाला हूँ, जो मैं एक एक चीज़ों को समझाऊँगा, बताऊँगा
और यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इससे समझने की कोशिश करिएगा कि इसका क्या क्या विकल्प हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसान इस मेड़ पर जो है कि अगर कोई कुछ लगा, सपोज डेट कि अगर बहुत सारे आजकल नीम का एक अलग प्रकार की एक नीम आती है, उसको अगर हम लगाएं तो 5 या 6 बरस के बाद उसका जो है कि बहुत बड़ा उपयोग जो है कि दवाओं में होता है और उसका वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इसके माध्यम से आप सभी जागरूक लोगों को, जागरूक किसान को या जो नौजवान है, जो हम लोगों की तरह हैं या जो हमसे छोटे लोग हैं या हमसे बड़े भी हैं, वो भी प्लीज़ इसको समझिए कि मेड़ को लेकर के और सड़क के किनारे सड़क को काट काट करके जिस सड़क पर हम चढ़ते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उससे हमारे पास बहुत सारे आमदनी आ जाती है? मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है और इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था बना करके रहना चाहिए कि पूरी तरह से हारमोनी बनी रहे, लोगों में आपसी सद्भाव बना रहे, एक दूसरे से प्रेम से रह सकें। अगर आपको ये बात पसंद आई होगी तो ये अगर मैं जो मुद्दा उठाया अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को, आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक